सिमट के बैठ जाइएगा। पिया मोरा प्रहलाद से जो प्यार कर गए वो जश्न मना कर यहाँ इजहार कर गए वो जश्न मना। अब धीरे धीरे बैठ जाइए आप लोग, धीरे धीरे बैठ जाइए, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाइए। वो जश्न मना कर यहाँ इजहार कर गए। और हजरत को बता दीजिए आप कि हजरत हम सिर्फ नात नहीं सुनते हैं, हम तकरीर भी सुनते हैं। ये आपको बताना है हजरत को कि हम सिर्फ नात नहीं सुनते हैं, तकरीर भी सुनते हैं। और ये जान ले तकरीर भी नबी की नात है। कहिए सुभान अल्लाह, एक बार कहो सुभान अल्लाह। नात का मतलब ही होता है नबी की तारीफ। तो सर ये नबी की तारीफ तकरीर में करेंगे, हम तरन्नुम में नात पढ़ते करेंगे। पिया मोरा प्रहलाद से जो प्यार करेंगे वो जश्न मना कर यहाँ इजहार करेंगे। जश्न रबी दो जुलो से मोहम्मद हाँ जश्न रबी दो जुलो से मोहम्मद जश्न रबी दो जुलो से मोहम्मद ये काम मोहम्मद के वफादार कर गए ये काम मोहम्मद के। कोई दीवाना खड़ा हो जाए, कोई दीवाना खड़ा हो जाए। मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। अल्लाह अल्लाह मेरी तुम्हारी कसम खुदा के दिल से मुसाफिर आदमी हूँ, अल्लाह तुम्हें आला हजरत का सिपाही बना दे। मैं एक शेर सुनाता हूँ हजरत, हजरत के हवाले से आखिरी शेर सुना देता हूँ। ऐसा शेर है मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है कसम से कई मरतबा कसम खुदा के पढ़वाया गया मुझे कि शेर को पढ़ो, पढ़ते रहो। वो शेर सुना देता हूँ, अपनी जगह लूंगा। तकरीर के बाद जब मैंने शहाबुद्दीन बाबा अली रहमान के हवाले से पढ़ा था, तकरीर के बाद जगह सुनाऊंगा, मगर ये एक शेर सुन लीजिए आप। सुना दो। स्टेशन में ट्रेन में हर जगह लिखते हैं, उन्हें कह देना तुम नारा आज लगा रहे हो, मेरे आका ने तो 1400 साल पहले ही नारा लगा दिया। जब मेरे सरकार हमारी माँ बहने ही बैठी हुई है उनके लिए भी शेर है। हमारे सरकार जब तशरीफ लाए तो ये जमीन कह रही थी, ये आसमान कह रहा था, ये सितारे कह रहे थे, ये चांद कह रहे थे, ये हवाएं कह रही थी, ये फजाएं कह रही थी, क्या कह रहे थे सुनाता हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये काम मोहम्मद के वफादार करेंगे, दफनाई नहीं जाएगी अब कोई भी जिंदा, 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 दफनाई नहीं जाए अब कोई भी जिंदा, दफनाई नहीं जाएगी अब कोई भी जिंदा। और बेटी की हिफाजत मेरे सरकार करेंगे, बेटी की हिफाजत मेरे सरकार करेंगे, बेटी की हिफाजत मेरे सरकार करेंगे। मुस्तफा लजपाल नबी
जिसका दीवाना है। सुनेंगे तो आप तड़पेंगे, तड़पेंगे, मचलेंगे। आप मोहब्बत से बैठिए, मोहब्बत से आप बैठिए, इंशाल्लाह ताला एक भी आगे नहीं उठिएगा। ये मैंने अगर कोई बात कही आपको बुरी लगी, याद रखिए एक चीज याद रखिएगा, डॉक्टर जब इलाज करता है तो तकलीफ होती है ना, मगर वही मरीज जब अच्छा हो जाता है उस डॉक्टर को दुआएं देता है ना। मैंने अगर मेरी बात कोई कड़वी लगी होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मैंने इसलिए कहे ताकि मसलके आला हजरत का काम तेजी से हो। और ये आप हजरत जो तशरीफ लाए हैं ये आप ऐरू गैरू रत्तू फैरू मत समझिएगा, याद रखिएगा। ऐसे हजरत जो तशरीफ लाए हैं आलिम बामल आलिम बासलाहियत हजरत इल्मो अदब का मीनार खलीफा हुज़ूर तादिर शरिया, याद रखें आप हजरत हैं, इनको आप देखिए इंशाल्लाह ताला इनकी तकरीर सुनेंगे आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। इनकी तकरीर के बाद इंशाल्लाह नदीम फैजी फिर आएगा और इंशाल्लाह ये भी कलाम सुनाएगा और ये कलाम सुनाने के बाद मनकबत शहाबुद्दीन बाबा भी सुनाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।